भोपाल के एलबीएस अस्पताल के विरुद्ध नगर निगम ने कड़ी कार्रवाई की। एलबीएस अस्पताल पर आरोप था कि अस्पताल के सीवरेज की गंदगी सामने मौजूद मोती तालाब के अंदर डाली जा रही है। इधर नगर निगम अध्यक्ष ने बताया कि टीम ने अस्पताल के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अस्पताल पर जुर्माना लगाया है। राजधानी में सीवेज से गंदगी फैलाने वालों की अब खैर नहीं। भोपाल के एलबीएस अस्पताल के विरुद्ध नगर निगम ने कड़ी कार्रवाई की है। एलबीएस अस्पताल में आरोप था कि अस्पताल के सीवरेज की गंदगी सामने मौजूद मोती तालाब के अंदर डाली जा रही है। इसकी शिकायत एनजीटी के पास पहुंची तो विभाग ने भोपाल नगर निगम पर 1,47,00,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। इधर नगर निगम अध्यक्ष किशन असुरवंशी ने बताया कि मंगलवार को नगर निगम की टीम ने अस्पताल के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अस्पताल पर जुर्माना लगाया है। एलबीएस हॉस्पिटल का सीवेज तालाब में जा रहा था, जिसके कारण एनजीटी ने हम पर 1,47,00,000 रुपये का अर्थदंड लगाया था और ये अर्थदंड एलबीएस की गलती के कारण नगर नियम पे लगा था। इसलिए नगर नियम ने ये अर्थदंड एलबीएस हॉस्पिटल से वसूलने के लिए कार्रवाई की है। निश्चित रूप से गलती जिसकी है उसको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। कितने का अर्थदंड लगाया? 1,47,00,000 का अर्थदंड था जो एनजीटी ने नगर नियम पे लगाया था। तो आयुक्त नगर नियम द्वारा इस बात की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है कि ये अर्थदंड जो एलबीएस की गलती के कारण नगर नियम पे लगा है, क्योंकि सीवेज को तालाब में मिलाने का काम एलबीएस हॉस्पिटल प्रबंधन कर रहा था, उसकी गलती के कारण निगम पे ये अर्थदंड लगा हुआ है। तो अर्थदंड की राशि निगम को संबंधित हॉस्पिटल प्रबंधन जमा कराए। और भी हॉस्पिटल उन्होंने बताया कि अस्पताल का कुछ हिस्सा निगम ने कब्जे में ले लिया है। ईएमटी न्यूज़ भोपाल।